हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल आर फाइन। आप सब अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, लास्ट पीरियड में हम चैप्टर 7 में पार्ट 1 पढ़े थे कि हाउ द प्लांट्स देयर, कोई वीक होता है, कोई स्ट्रांग होती है, हॉप्स ऑफ प्लांट्स, उसके बारे में डिस्कशन किए थे। टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू पार्ट। बेस्ड ऑन द एबव कैरेक्टरिस्टिक, यू कैन नाउ क्लासीफाई द प्लांट लिस्टेड बाई यू कॉम्प्लीट इन द कॉलम 4 इन टेबल 7.1। ओके स्टूडेंट्स, ये जो टेबल 7.1 है, इसके बारे में हम जो आपको बताए थे टेबल, ये भी आपके घर के आजू बाजू जो प्लांट्स है उसका कलेक्शन करके वैसा चार्ट बनाकर आपको प्रिपेयर करनी है। प्लांट्स विथ वीक स्टीम दैट कैनॉट स्टैंड अप राइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड कॉल्ड क्रीपर्स। तो स्टूडेंट्स, कुछ प्लांट्स आप देखे होंगे जो कि मतलब वो सेल्फ अपने आप स्ट्रांग नहीं है उनका स्टीम, तो खड़े नहीं हो सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, क्रीपर। प्लांट्स विथ वीक स्टीम, जिसका स्टीम एकदम वीक हो, कमजोर हो, दे कैनॉट स्टैंड अप राइट, वो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, पर चारों ओर ग्राउंड में स्प्रेड कर जाते हैं, मतलब ग्राउंड में ही वो बड़े होते हैं, उनका प्लांट बड़ा होता है, आर कॉल्ड क्रीपर्स। उसी जैसे प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, क्रीपर। व्हाइल दोज टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। ओके, जो कि स्टूडेंट्स से ये देखिए 7.4, ये पंपकिन है, ये क्या हुआ है, वो स्टैंड अप नहीं होता है जमीन में, चारों साइड वो खेल रहे हैं, वो फ्रूट रहे हैं, उसको कहेंगे क्रीपर। और ये पिक्चर 7.5, ये देखिए स्टूडेंट्स, उनको सपोर्ट मिल गया, वो ऊपर चढ़ते गए। योर एग्जाम्पल फॉर मनी प्लांट आपके घर पे होंगे, दिस वन इज कॉल्ड क्रीपर एंड दिस वन इज कॉल्ड योर क्लाइंबर्स। ओके, वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट, कुछ प्लांट जो होता है जो सपोर्ट नहीं लेकर जमीन में फैलते हैं उनको क्रीपर कहेंगे। वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, और जिसकी सपोर्ट लेकर जो प्लांट आगे मतलब बड़े होते हैं उनको क्लाइंबर्स कहेंगे। दिस आर द डिफरेंट फ्रॉम हॉप्स ऑफ एंड ट्रीज, ये सब ट्री हॉप्स ऑफ के अंदर डिफरेंट है। परहैप्स देयर आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल और एट होम दैट यू टेक केयर ऑफ, शायद आपकी स्कूल में भी आपके घर पे भी ऐसा कुछ प्लांट हो जिसका आप केयर लेते होंगे। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी टू ट्रीज, अभी क्या करना है आपको, एक चार्ट में कोई भी लेकर नेम ऑफ एनी टू ट्रीज, कोई भी दो पेड़ का नाम, शॉप्स का नाम, हॉप्स और क्रीपर्स ग्रोइंग इन योर हाउस और स्कूल, आपके स्कूल के एरिया में हो स्टूडेंट्स, या आपके घर के आजू बाजू हो, दो ट्री, दो शॉप्स, दो हॉप्स, दो क्रीपर्स, उनके नाम आपको बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्री लिख दिए, ट्री में कौन सा लिख दिया आप, एक लिख दिए बनियान ट्री लिख दिए, एक लिख दिया मैंगो ट्री, ट्री हो गया। इस तरह से सॉफ्ट सॉफ्ट का बनाना है। 7.2 स्टीम, ऑब्जर्व क्लोजली द स्टीम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। अभी आप जितने भी स्टीम्स जो पेड़ होते हैं उसको आपके सराउंडिंग में, आपका आजू बाजू में जितना है आप उसको केयरफुली ऑब्जर्व करिए। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर पार्ट्स बॉर्न बाय द स्टीम। अभी वो देखने के बाद आप जितने सारे प्लांट्स देखेंगे तो उसके स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके पार्ट्स कैसा होता है, उसका बॉर्न कैसे होता है, इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, स्कूल जब ओपन हो जाएगी ना, हमारे स्कूल के कंपाउंड में, बहुत बड़ी कंपाउंड है हमारे स्कूल के, तो बहुत सारे प्लांट्स वगैरह लगा हुआ है, तो आप क्या करना, आप आएंगे ना तो क्लास में पढ़ाने के टाइम हम आपको पूरी हमारे स्कूल के कंपाउंड में घुमा लेंगे। वहाँ पे क्रीपर भी है, सॉप्स भी है, हॉप्स भी है, और उनका स्टीम के बारे में हम ऑब्जर्व करेंगे। पर जब तक आप घर पे हैं, आपका घर का साइड में से, आजू बाजू में से, आप इस चीज़ को ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। कंपेयर यू ऑब्जर्वेशन विद दैट योर फ्रेंड्स, फिर आप कंपेयर करिए, फिर आपका दोस्त को भी बोलिए कंपेयर करने के लिए, तो फिर एक दूसरे से टैली करिए, एक दूसरे से मैच करिए। व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या अलग से फाइंड करते हैं, स्टीम्स बियर लीव्स ब्रांचेस बॉड्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स।
स्टीम जो होता है वो पत्ते, ब्रांचेस, डाली, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स लेके चलते हैं अपने प्लांट के अंदर होती है। वी रिक्वायर ए ग्लास ऑफ ग्लास वाटर, रेड और ब्लू इंक एंड ए सॉफ्ट स्टीम। पोर वाटर, फिल इट 1/3 ऑफ ग्लास, एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड और ब्लू इंक इन टू द वाटर, कट द बेस ऑफ द स्टीम एंड पुट इट इन टू द ग्लास शोन इन फिगर 7.6। ओके स्टूडेंट्स, हम अभी आपको बताते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। लुक, दिस वन इज योर फिगर 7.6। हम क्या करेंगे, पहले एक ग्लास ले लेंगे एम्प्टी, कौन सी ग्लास, कांच का। ओके, आप वो ग्लास लेकर उसमें पहले हाफ आधा पानी भरिए। ओके, आधा पानी भरने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें रेड कलर और ब्लू कलर का जो है इंक उसमें पानी में डाल दीजिए। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स क्या होगा, वो पानी का कलर जो है, आप रेड डालेंगे तो रेड हो जाएगा, ब्लू डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। फिर आप क्या करना, ये जो स्टीम है उस स्टीम को नीचे से काट देना, उसका रूट्स के ऊपर थोड़ा हिस्से में यहाँ से काट देना है। काटने के बाद ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जैसे दिया गया है ये इसे आपको काट लेना। काट लेने के बाद उसी पानी में, ये जो पानी है उसके अंदर वो प्लांट को डाल देना है। ऑब्जर्व द सेट ऑफ, ये जो है उसका सेटअप करिए। दोस कलर्स वर अपीयर इन द स्टीम, विल यू फाइंड द कलर साइज द स्टीम इफ दिस इज केप फॉर ए लॉन्ग पीरियड, द कलर अपीयर्स इन द ब्रांच एंड लीव्स ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम ऐसा करेंगे जैसे मैंने आपको अभी एक्टिविटीज बताया था, तो आप क्या करना, ऐसा अगर करते हैं तो उसके बाद आप थोड़े समय जाने देना। देखना स्टूडेंट्स, ये जो स्टीम है ना उसकी, अगर रेड कलर आप डाले होंगे तो रेड कलर, ब्लू कलर डाले होंगे तो ब्लू कलर, स्टीम के अंदर भी ये कलर्स आपको दिखाई देंगे। एंड इफ दैट प्लांट विल केप फॉर ए लॉन्गर टाइम, देन अल्टीमेटली यू विल फाउंड द कलर्स इन द बेंस ऑफ द लीव्स ऑल्सो, ये पत्ते में भी दिखाई देगा। हाउ डू यू थिंक द कलर इज देयर, आप सोचो कि ये कलर कैसे वहाँ पे पहुँचा। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टीम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। इसमें से हमको एक चीज़ प्रूव हो गया, ये जो स्टीम है वो पानी को ऊपर लेने के लिए, अपवर्ड जाने के लिए हेल्प्स करती है। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड द अदर प्लांट्स आर अटैच टू द स्टीम। फिर ये स्टीम के साथ ये ब्रांचेस, पत्ता, लीव्स जितने भी सारे जुड़े हुए हैं वहाँ पे अपवर्ड्स यानी कि ऊपर की ओर पानी को लेके जाते हैं। 7.7, वाटर मूव्स अप द स्टीम एंड रिचेस लीव्स। देखो वाटर मूव्स अप स्टीम एंड रिचेस टू द लीव्स, ये कलर कैसे रेड हो गया है। एंड लास्ट व्यू ओपन ऑफ द एंड ऑफ स्टीम। ओके, 7.3, लीफ। अभी लीफ के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। आप आपकी घर के आजू बाजू जितने भी बहुत सारे प्लांट होंगे, हर कोई का एक पत्ता लेकर आइए, एक एक लीव्स लेकर आइए और उसको आप ऑब्जर्व करिए। ड्रॉ देम इन योर नोटबुक, आप उसका, आपकी नोटबुक जो है उसमें उसका ड्रॉ करिए। आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज, शेप एंड कलर। आप देखेंगे क्या है, उसका सेम साइज, सेम कलर, सेम ही रहेगा। नो, द डिफरेंट। हाउ आर द लीव्स अटैच टू द स्टीम, और स्टीम के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। द पार्ट ऑफ लीफ बाय व्हिच इज अटैच टू द स्टीम और कॉल्ड पेटुली। द पार्ट ऑफ लीफ, जो पत्ते के लीफ की जो पार्ट होती है, इज अटैच टू स्टीम, जो स्टीम के साथ अटैच होती है इज कॉल्ड पेटोली। द बोर्ड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। ओके, द ग्रीन पार्ट ऑफ द जो होते हैं उसको लेमिना कहेंगे। कैन यू आइडेंटिफाई दिस पार्ट्स ऑफ लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू, डू ऑल लीव्स हैव पेटोलिस। अब अभी इसको क्या करिए, आपके जो घर के आजू बाजू में पत्ता ला के देखेंगे कि सभी जो पत्ते में हैं पेटोली है, आप इस चीज़ का ऑब्जर्व करिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पीरियड वी विल स्टार्ट आवर पार्ट 3।
टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। इसको पेटोरी क्या होती है, लेमिने क्या होती है, और ये जो एक्सपेरिमेंट हम आपको बताए ना 7.6, उसका रूट कट करके पानी में रेड कलर या ब्लू कलर डाल के आपको देखना है, आप आपके घर पे ये एक्सपेरिमेंट जरूर करिए। ओके स्टूडेंट्स, एक बार स्कूल खुलेगी तो फिर हम लोग स्कूल पे भी कर लेंगे। टिल देन गुड बाय।